बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चटपटे खाने। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक न्यू और डिफरेंट सी स्वीट डिश, और वो स्वीट डिश है केक रस और गाजर का हलवा। आइए देखते हैं ये टेस्टी सा हलवा कैसे बनता है। एक पतीले में 1.5 किलो कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। गाजरों में 1 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद 4 अदद सब्ज इलायची डाल देंगे। इलायची डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसको 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर लेंगे। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटा लेंगे। अब हम इसमें 1 बाउल यानी कि 300 ग्राम मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें चीनी कम डाली है क्योंकि केक रस में ऑलरेडी मीठा होता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी मिक्स करने के बाद 250 ग्राम हम इसमें मक्खन डाल देंगे। मक्खन डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आधा किलो केक रस लेके उसको क्रश कर लेंगे। क्रश किए हुए केक रस इसमें डाल देंगे। केक रस डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ साथ भून लेंगे। रस को मिक्स करने के बाद हम इसमें 100 ग्राम देसी घी डाल देंगे। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक गाजरों का पानी खुश ना हो जाए और घी ना निकल आए। गाजरों का पानी अच्छी तरह खुश्क होने के बाद हलवा तैयार हो चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा टेस्टी और डिफरेंट सा केक रस और गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। मैंने इसे बहुत ही आसान रेसिपी से बनाया है, आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दो हमें याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।